हे गाइस, कैसे हो आप सब? सो गाइस, आपको पता होगा कुछ दिन पहले हम लोगों का पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन में 5th एनिवर्सरी आया था और उसमें हम लोगों को बहुत सारा इवेंट देखने को मिला था। पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन लॉन्च होने का कुछ दिन बाद ही पबजी मोबाइल केआर वर्जन भी लॉन्च हुआ था। तो फाइनली पबजी मोबाइल केआर वर्जन का 5th एनिवर्सरी हो चुका है और ये जो इवेंट आप देखो, सबसे पहले हाई फाइव डेली लॉगिन आपको दिखाई दे रहा है। इससे भी अच्छा खासा रिवॉर्ड आपको देखने को मिल रहा है। डे वन में लॉगिन करेगा तो आपको एक क्रेट मिलेगा, डे टू में लॉगिन करने से 2100 मेडल मिल जाएगा, एक डे थ्री में लॉगिन करने से आपको ये वाला ब्लैक वाला क्रेट मिल जाएगा। मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं, बहुत ही बेहतरीन परमानेंट आउटफिट भी रहता है, बट बेकार आउटफिट भी रहता है, तो उसमें से रैंडमली कुछ भी मिल सकता है। उसके साथ साथ आप देख पा रहे वापस से ये अलग क्रेट मिल जाएगा जिसमें आपको डोनकास्टर मेडल भी मिल सकता है। उसके साथ साथ डे फाइव में आप देख पा रहे हो कि आपको वापस से डोनकास्टर मेडल मिलेगा, डे सिक्स से वो क्रेट मिल जाएगा, डे सेवन में आप देख पा रहे हो वापस से डोनकास्टर मेडल मिल जाएगा, डे एट में 2 डोनकास्टर मेडल मिल जाएगा और डे नाइन में आप देख पा रहे हो कि आपको मिल जाएगा 3 डोनकास्टर मेडल। तो अच्छा खासा मेडल मिल जाएगा, इसको कलेक्ट करना मत भूलिएगा, ठीक है? इसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं और इसको मैं ओपन करके देख लेते क्या मिलता है। जैसे आप देख पा लोग स्क्रैप मिल गया, चलो इसको हम लोग काट देते हैं। उसके बाद और भी इवेंट है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और इधर तो और कुछ इवेंट दिख नहीं रहा, बट आपको इधर क्लिक करना होगा और इस पर हम लोग क्लिक करते हैं हॉट में। थोड़ा नीचे चलेंगे तो इधर आप देख पा रहे हाई फाइव पबजी मोबाइल वर्ल्ड नाम का एक इवेंट आपको दिखाई दे रहा है। ये इवेंट का टाइम पीरियड आप देख पा रहे 5th ऑफ मई से लेके 15th मई तक ये इवेंट चलने वाला, जब तक ये वर्जन है उसके बाद तो नया अपडेट आ जाएगा। और इधर आप देख पा रहे लॉग इन पबजी मोबाइल एवरी डे, जैसे आप लॉग इन करोगे पबजी मोबाइल तो आपको ये बलून्स आपको मिल जाएगा 3, अगर आप एक क्लासिक मोड खेलेंगे तो आपको 5 बलून वापस से मिल जाएगा, 15 क्लासिक मोड खेलने से आपको 50 बलून्स मिल जाएगा, 30 क्लासिक मैच खेलने से आपको 100 बलून्स मिल जाएगा और उसी के साथ साथ अगर आप अपना हेल्थ को 1000 रिकवर करते हो तो आपको 100 बलून्स मिल जाएगा। अपने फ्रेंड के साथ 30 एनिमीज को एलिमिनेट करोगे क्लासिक मैच में तो आपका 150 हो सकते ये जमा हो जाएगा, तो आपका फ्रेंड्स का भी किल इंक्लूड इसमें हो जाएगा। तो अच्छा बात है, आपका फ्रेंड अच्छा खासा किल कर लेता और आपका किल दोनों का काउंट होगा एक साथ, तो आपको जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो ये कुछ इवेंट है, कुछ कुछ आपको डेली बेस में रिफ्रेश होते हुए दिखेंगे, कुछ कुछ आपको वन टाइम ही है। जैसे आप देख पा रहे ये वाला, तो उसमें आप देख पा रहे हो कि चीज़ें आपको देखने को मिल जा रहा है। उसके बाद आप देख पा रिडीम में क्लिक करते हो तो रिडीम में जैसे आप देख पा रहे अगर आप 500 पॉइंट करते हो तो आपको ये वाला मिल जाएगा आउटफिट, बनी एकेडमी सेलर सूट आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ 200 पॉइंट करने से उसका हेडगियर मिल जाएगा आपको, ये वाला हेडगियर बनी वाला मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको ये आउटफिट एंड हेडगियर नहीं चाहिए तो आप फ्रेम पर जा सकते हो, तो ये फ्रेम का कॉस्ट आप देख पा रहे 185 में आपको ये वाला फ्रेम मिल जाएगा, 5th एनिवर्सरी फ्रेम। उसके साथ साथ आप देख पा रहे आप ये क्रेट सबको भी ले सकते हो जो कि मैं आपको लॉगिन इवेंट में भी मिल रहा है, लॉगिन इवेंट में भी आप क्रेट ले सकते हो और इधर से भी आप ले सकते हो, ठीक है? तो दो दो क्रेट आपको दिखाई दे रहा है, 10 में आपको दिखाई दे रहा है। इसका अंदर का आइटम आप देख पा नेक्स्ट लेवल है, बेहतरीन बेहतरीन आउटफिट भी है और फालतू का भी चीज़ें हैं, बट एक चीज़ कन्फर्म है कि ये क्रेट से आपको गारंटी है कि आपको परमानेंट आइटम ही मिलने वाला है, चाहे वो लेजेंडरी हो या वो सकते नॉर्मल सा आइटम हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको परमानेंट मिलना फिक्स है, ठीक है? उसके साथ साथ ये भी क्रेट आप निकाल सकते हैं, इसमें आइटम थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा कम बोल सकते हो और इसमें भी कुछ कुछ लेजेंडरी आइटम है और इसका कॉस्ट थोड़ा सा सस्ता है क्योंकि इसमें 5 आपको लग रहा है। तो ये ओवरऑल एक इवेंट था जो कि एनिवर्सरी एक्सक्लूसिव था। अगर आप पबजी मोबाइल केआर खेलते हो तो आप डेफिनेटली ये इवेंट का फायदा ले सकते हो, ठीक है? सो गाइस, पबजी मोबाइल का पाकिस्तान रीजन में एक इवेंट आया जो कि कल ही आ चुका था, उसके बारे में आज हम लोग ये वीडियो में जानने वाले। इवेंट में क्लिक करेंगे, इसके बाद आप देखो हॉट में क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देख पा रहे हो कि इधर आपको टर्न ओवर द लक्की कार्ड आपको दिखाई दे, इसमें हम लोग क्लिक करते हैं। ये इवेंट का टाइम पीरियड आप देख पा रहे हो 5th ऑफ मई से लेके 14th मई तक ये इवेंट चलने वाला है। उसमें आपको कुछ कार्ड्स को सफल करना है, जैसे आप सफल करोगे तो आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलेगा, रिवॉर्ड उतना खास तो नहीं है बट फिर भी मैं इवेंट एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये इवेंट का रूल्स बहुत सिंपल है, इसमें हम लोग क्लिक करते हैं। इसमें आप देख पा रहे हो कंप्लीट डेली मिशन टू गेट टर्न ओवर चांसेस, देयर आर 5 पैटर्न ऑन कार्ड्स, कलेक्ट रिवॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू टर्न ओवर रिजल्ट। तो एक्चुअली इसमें आपको 5 टाइप का कार्ड्स मिलेगा, ए बी सी डी एंड ई, ठीक है? 5 टाइप का कार्ड मिलेगा और इसके ये कार्ड को आप बोल सकते हो मिशन खेल के भी रोटेट कर सकते हो, या अगर आपको जल्दी जल्दी कंप्लीट करना 3 इसी से भी आप उसको रोटेट कर सकते हो, ठीक है? और जैसे आप उसको रोटेट करोगे तो आपको रिवॉर्ड क्लेम करने का मौका मिलेगा और आपको एक एक प्रोग्रेस का भी रिवॉर्ड्स मिलते रहेगा, ठीक है? चलो मैं एक्सप्लेन कर देता प्रैक्टिकली। तो इधर आप देखो 5 कैटेगरी आपको दिखाई दे रहा है और इसमें आपको टर्न करने के लिए आप या तो मिशन का हेल्प ले सकते हो, लाइक आप देख पर इधर मिशन का हेल्प ले सकते हो। यू डोंट हैव चांस टू टर्न ओवर अ कार्ड, प्लीज फर्स्ट कंप्लीट मिशन और यू कैन स्पेंड 3 UC टू टर्न द कार्ड ओवर। तो जैसे कि बताया कि आप 3 UC भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो मिशन कंप्लीट कर सकते हो। मिशन कौन सा है इसमें हम लोग क्लिक करते हैं, इधर आप देख पर लॉगिन करने से 1 मिल जाएगा,
उसके साथ साथ आप देख पा दो एनिमी को आप मारेंगे क्लासिक में तो आपको दो कार्ड टर्न करने का मौका मिलेगा, और उसी के साथ साथ अगर आप एक एरिना मैच कंप्लीट करोगे तो आपको वापस से दो कार्ड टर्न करने का मौका मिलेगा। उसके बाद आखिरी वाला में आपको सर्वाइव करना है 30 मिनट तक तो आपको दो इधर से भी मिल जाएगा। चलो फिर उसको कलेक्ट कर लेते हैं, लॉगिन वाला एक कलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आप इसमें से कोई भी कार्ड को टर्न कर सकते हो, ठीक है। क्लेम रिवॉर्ड में अगर आप क्लिक करोगे तो इस तरह का आपको रिवॉर्ड दिखाई दे रहा है। ये किस टाइप का वर्क करके मैं समझा देता हूँ। मैं आपको बताया था कि आपको पांच टाइप का अलग अलग कार्ड्स मिल सकते हैं, लाइक ए बी सी डी ई, ठीक है। और उसके बाद आप देख पा रहे इसमें आपको कोई भी कार्ड मिल सकता है। मान लो एक कैटेगरी का दो कार्ड मिल गया तो आप ए जी करेंसी को भी रिडीम कर सकते हो, या आपको तीन कार्ड मिल गया तो आप क्लासिक स्क्रैप या आप सप्लाई स्क्रैप को रिडीम कर सकते हो। अगर आपको चार कार्ड मिल गया एक का तो आपको बीबी कॉइन भी रिडीम कर सकते हो, और अगर आप पांच कार्ड मिल गया तो आप बोल सकते हो पैरासूट ट्रेल को भी आप रिडीम कर सकते हो। अकॉर्डिंगली आपका हर एक कार्ड का बोल सकते हो क्वांटिटी में आपको अपने हिसाब से रिवॉर्ड लेने का मौका मिल जाएगा, और वो आप अपने हिसाब से देख के भी कर सकते हो। लाइक ए का मैं आपको बता दिया, बी का भी वैसे ही है, दो करोगे तो बीबी कॉइन मिल सकता है, तीन करोगे तो आप सप्लाई स्क्रैप को रिडीम कर सकते हो, इस तरह का आप कर सकते हो। रिवॉर्ड उतना खास तो नहीं है बट इवेंट इंटरेस्टिंग है, तो चलो आपके सामने ये शेयर कर दिया जाए। तो ये एक टाइप का रिवॉर्ड है। ऊपर का जो आपको दिखाया उसमें दो दो कार्ड का जरूरत पड़ेगा तब जाके आप एक रिवॉर्ड ले सकते हो, बट नीचे आप देख पा रहे हो कि अगर मान लो आपको ए बी सी डी ई तक एक एक कार्ड सबका मिला हुआ तब भी आप एक रिवॉर्ड ले सकते हो, वो है आप देख पा रहे आर पी मिशन कार्ड, ठीक है। तो आर पी मिशन कार्ड भी ले सकते हो, और बाकी रिवॉर्ड तो ऊपर देख पा रहे हो इंडिविजुअली आप दो दो करके ले सकते हो, दो तीन चार और पाँच कार्ड में आपके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड मिलेगा। और नीचे आपको हर एक कैटेगरी का अगर एक एक कार्ड आरपी मिशन का भी कार्ड को ले सकते हो, ठीक है। रिवॉर्ड आपको समझ में आ गया। चलो हम लोग इसमें से कोई भी टर्न कर लेते हैं, लाइक हम लोग इसको टर्न कर सकते हैं, ओके। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो सी कार्ड मिल चुका है, और उसके साथ साथ अगर हम लोग नॉट टर्न कर लेंगे ना तो इधर आप देख पा रहे हम लोग को मिल जाएगा सप्लाई स्क्रैप। उसके साथ साथ अगर हम लोग 18 टर्न कर लेंगे तो हम लोग को वापस से दो सप्लाई स्क्रैप मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम 30 टाइम कर देंगे तो हम लोग को एक ग्रेनेड का स्किन मिल जाएगा, टाइम लिमिटेड ही मिलेगा। उसके साथ साथ अगर हम 45 टाइम्स करेंगे तो आप देख पा रहे हो कि हम लोग को मिल जाएगा ग्रीन क्रिस्टल एक, और उसके साथ 55 टाइम्स हम लोग करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा एक आरपी मिशन कार्ड जो कि मंथ 22 का है। तो आई होप आपको पूरा इवेंट समझ में आ गया, छोटा सा इवेंट है बट अच्छा इवेंट है, सोचा कि चलो कवर कर लिया जाए। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।